Hello all, welcome to Wow Cook Studios channel. Chef Dipali here. I am chocolatier and pastry chef. आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं, जिससे आप एक प्रोफेशनल चॉकलेटियर बन सकते हो। तो अगर आप होममेड चॉकलेट्स घर पे खाने के लिए बना रहे हो या कमर्शियल पर्पस से सेल करने के लिए बना रहे हो, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा, बिकॉज बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप एक परफेक्ट शाइनी ग्लॉसी एंड आपके जो भी डाउट्स होते हैं कि मेरा चॉकलेट मेल्ट नहीं होना चाहिए या फिर मेरे चॉकलेट में एक परफेक्ट शाइन आनी चाहिए, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। टिप नंबर वन, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कंपाउंड चॉकलेट, या फिर आप जैसे रॉ कंपाउंड भी बोल सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम सभी को लगता है कि हमारे चॉकलेट में एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी, एक परफेक्ट शाइन होनी चाहिए, जो कि आपके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, तो उसमें से आपको बेस्ट ब्रांड जो है वही सिलेक्ट करना है एंड उसी ब्रांड को लेके आपको आपके चॉकलेट्स बनाने हैं। टिप नंबर टू, परफेक्ट मेल्टिंग मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंपाउंड मेल्टिंग के लिए। आप सभी को पता है कि हम चॉकलेट जो मेल्ट करते हैं वो एक माइक्रोवेव टेक्निक से मेल्ट कर सकते हैं या फिर डबल बॉइलिंग से मेल्ट कर सकते हैं। बट चॉकलेट मेल्ट करने से पहले आपको, अगर आपका चॉकलेट फास्ट मेल्ट करना है, तो उसे छोटे छोटे पीसेस में आपको कट करके लेना चाहिए, या फिर आजकल कंपाउंड में भी कैलेट्स अवेलेबल है, तो आप वो कैलेट्स का भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी चॉकलेट मेल्टिंग जो है वो फास्ट होगी। टिप नंबर थ्री, कीप योर वर्क सरफेस टूल्स क्लीन एंड ड्राई। तो हमें हमारा वर्क सरफेस मीन्स जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जो बोल्स यूज़ कर रहे हैं मेल्टिंग के लिए, ये हमेशा क्लीन एंड ड्राई होने चाहिए, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज हमारा चॉकलेट जब हम मेल्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर हम स्पैचुलास जो मिक्सिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तब हमारा चॉकलेट जो है वो सीज होने के चांसेस है या फिर थिक होने के चांसेस है, और वो चॉकलेट आप रीहीट भी नहीं कर सकते, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर फोर, use cocoa butter. Why cocoa butter? If you want shine in your chocolates, then yes, आपको cocoa butter use करना चाहिए, because हम compound use कर रहे हैं और compound में अगर हम pure से compare करेंगे तो उतना perfect shine नहीं होता है, उतना richness नहीं होता है। So अगर आपको आपके compound में extra richness और extra smoothness देना है, तो always use cocoa butter. Tip number 5, add pinch of salt in your chocolate. तो आपको लगेगा why salt, because salt तो हम हमेशा खाने में यूज़ करते हैं और चॉकलेट में salt एक कुछ अलग चीज़ है। Yes, जब भी आप चॉकलेट्स बना रहे हो, just pinch of salt आपके चॉकलेट में डाल दीजिए, normal regular salt जो आप घर में यूज़ करते हो खाना बनाने के लिए, उससे आपके चॉकलेट्स में जो फ्लेवर्स है, जो कोको का फ्लेवर है, वो इन्हांस होगा, वो उठ के आएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा एंड अलग टेस्ट देगा। टिप नंबर 6, सिलेक्शन ऑफ योर चॉकलेट मोल्ड्स। मार्केट में बहुत सारे चॉकलेट मोल्ड्स अवेलेबल है, बट आपको आपकी रिक्वायरमेंट समझ के लेनी है, आपको क्या करना है और कौन से चॉकलेट्स बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चॉकलेट के मोल्ड्स चूज करने चाहिए। सो मेरे हिसाब से सबसे पहले मार्केट में जब भी मोल्ड्स लॉन्च हुए, जब भी होममेड चॉकलेट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तब सिलिकॉन मोल्ड की जो डिमांड थी वो बहुत थी, बट वहाँ पे लाइक टैपिंग प्रॉपर नहीं होता था एंड डीमोल्डिंग के बाद चॉकलेट में छोटे छोटे होल्स आते थे, तो वो लुक वाइज अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे हिसाब से अगर आपको प्रोफेशनल चॉकलेट्स बनाने हैं तो गो विथ प्लास्टिक मोल्ड, या फिर अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है तो आई सजेस्ट गो विथ पॉलीकार्बोनेट मोल्ड, बट प्लीज़ डोंट यूज़ सिलिकॉन मोल्ड। टिप नंबर 7, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर मोल्ड्स। तो मोल्ड्स यूज़ करने के बाद सबके सामने एक क्वेश्चन आता है कि अभी मुझे मोल्ड्स कैसे क्लीन करने चाहिए। तो मोल्ड्स क्लीन करने के लिए पहले तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपके मोल्ड्स अगर बहुत ख़राब हुए हैं तो ही लिक्विड सोप के साथ आपको उसे क्लीन करना है, अदरवाइज आपको ये मोल्ड्स जस्ट लुक वार्म वाटर में क्लीन करके रख देना है, वॉश करके रख देना है, एंड वॉश करने के बाद उसे अच्छे से टिश्यू पेपर से या कॉटन से ड्राई करके रख दो। जब भी नेक्स्ट टाइम यूज़ करना है, यू कैन जस्ट क्लीन विथ योर टिश्यू पेपर्स और कॉटन एंड यू कैन यूज़। टिप नंबर 8, स्टोरेज। चॉकलेट बनाने के बाद, मतलब मोल्ड में फिल करने के बाद, हमें और एक क्वेश्चन आता है कि इसे हमें फ्रिज में कितने टाइम तक रखना है, कब डीमोल्ड करना है।
तो मिनिमम टाइम इज 1 आवर या 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आप आपके चॉकलेट को फ्रिज में रख सकते हो, नॉट इन फ्रीजर. यू हैव टू कूल योर चॉकलेट, सेट योर चॉकलेट इन फ्रिज, नॉट इन फ्रीजर. ओके, उसके बाद 2 घंटे के बाद आपका जब भी चॉकलेट सेट हो जाएगा फिर उसे आप डीमोल्ड कर सकते हो. डीमोल्डिंग के टाइम हम एक चीज़ हमेशा नोटिस करते हैं कि आपके चॉकलेट्स के ऊपर, स्पेशली इन समर एंड रेनी सीजन, वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं या फिर मॉइस्चर आता है. उस मॉइस्चर को या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स को, वाटर स्वेटिंग को कैसे कंट्रोल करना है वो भी बहुत मैटर करता है. आपके फ्रिज का टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर ह्यूज डिफरेंस होने की वजह से ये वाटर ड्रॉपलेट या फिर मॉइस्चर चॉकलेट्स के ऊपर आने के चांसेस होते हैं इन समर एंड रेनी सीजन. तो उसे अवॉइड करने के लिए आप सारे मोल्ड्स एक साथ डीमोल्ड मत करो, एट अ टाइम 2-3 मोल्ड्स डीमोल्ड करो एंड इमीडिएट उसे रैप करो इन अ फॉइल पेपर या फिर क्लीन रैप, एंड उसके बाद आप अगेन उसे कूल एंड डार्क प्लेस में स्टोर करके रखो. अगर क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दिया है कि आपको पर्टिकुलर बॉक्सेस में उसे देना है तो येस ऑफकोर्स आप उसे बॉक्स में रैप करके कूल एंड डार्क प्लेस में भी स्टोर करके रख सकते हो. बट अगर आपके पास एसी है तो आप सारे मोल्ड्स एक साथ बाहर निकालोगे तो भी चलेगा. डीमोल्ड करने से पहले आधे घंटे पहले आपके एसी का टेम्परेचर 18-20 करके रखो और उस रूम में आप आपके चॉकलेट्स को डीमोल्ड करो. डीमोल्डिंग के बाद चॉकलेट्स को रैप करो तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर मॉइस्चर का प्रॉब्लम है ये आपके एसी रूम में नहीं आएगा. टिप नंबर 9, शेल्फ लाइफ. जब भी हम मार्केट से कोई कंपाउंड चॉकलेट परचेस करते हैं तो उसका जो शेल्फ लाइफ होता है वो 18 मंथ्स से 20 मंथ के इन बिटवीन होता है, एक अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स. बट जब भी उस चॉकलेट को यूज़ करके, मेल्ट करके हम हमारा रेसिपी डेवलप करते हैं तो उसका जो शेल्फ लाइफ होता है ये सबको लगता है कि 18-20 मंथ्स ही होना चाहिए, बट नहीं, ऐसे नहीं होता है. वो आपके रेसिपी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, होता है. जैसे कि आप कोई चॉकलेट में कंडेंस मिल्क मिक्स करके या फिर क्रीम मिक्स करके कोई पर्टिकुलर रेसिपी बना रहे हो तो उसका शेल्फ लाइफ बहुत ही कम हो जाता है. एंड फॉर एग्जांपल जैसे आप प्लेन चॉकलेट्स बना रहे हो, ड्राई फ्रूट वाले चॉकलेट्स बना रहे हो या फिर आप एसेंस डले हुए चॉकलेट्स बना रहे हो तो उसका जो शेल्फ लाइफ है वो 3-5 मंथ्स के इन बिटवीन होना चाहिए. और अगर आपको शेल्फ लाइफ से रिलेटेड और थोड़ा स्टडी करना है तो हमारे सारे कोर्सेज में हमने शेल्फ लाइफ कैसे इंक्रीज करना चाहिए, कैसे बेसिक्स एंड सॉफ्ट प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करना चाहिए वो सारी चीज़ें हमने बताई हुई है. आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो. टिप नंबर 10, ऑलवेज यूज़ गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स. तो अगर आपको लग रहा है आप जो भी प्रोडक्ट बनाने वाले हो या आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो बेस्ट ही होना चाहिए तो उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बेस्ट ब्रांड एंड बेस्ट इंग्रेडिएंट्स को लेके ही हमेशा काम करना है. तो ये थे हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आप सभी को शेयर किए हैं. बट उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जो कि आपको मास्टर करेगी. और प्रोफेशनल चॉकलेट्स बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले एक तो पैशन होना चाहिए एंड क्रिएशन होना चाहिए. अगर ये दो चीज़ें आपके पास है तो डेफिनेटली आप एक परफेक्ट चॉकलेटियर बन सकते हो. सो ये था हमारा आज का वीडियो. आई होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा रहेगा. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. एंड चॉकलेट से रिलेटेड आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे बहुत सारे क्लासेस चलते रहते हैं चॉकलेट से रिलेटेड. सो आप हमारे वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो जो कि है www.wowcookstudio.com या आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हो. थैंक यू सो मच.